नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। पलवल डीएसपी हितेश यादव ने बताया कि एसआई इंचार्ज अमित कुमार को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई है कि गांव लिका निवासी मुखबिर उप्र भुगु अवैध हथियार सहित गांव में मौजूद है, जो संगीन वारदात को अंजाम देता है। सूचना मिलते ही टीम गठित की गई, जिसमें एसआई हुकुमुद्दीन, हेड कांस्टेबल शबीर हुसैन, भूपेंद्र सिपाही संदीप नरेंद्र व एसआई देवी दयाल को शामिल किया गया। टीम ने मुखबिर द्वारा बताया गया स्थान पर दबिश दी और बारीकी उप्र भुगु को काबू कर लिया, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी के खिलाफ यूपी के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी थाने में डकैती का मामला दर्ज है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। फिलहाल गहन पूछताछ के लिए आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 2 अप्रैल को हमारी सीआईए पलवल की जो टीम है, उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक इन्फॉर्मर से कि एक वांटेड क्रिमिनल है जो इस क्षेत्र में अभी काबू किया जा सकता है। तो टीम ने तुरंत रेड किए वहाँ पे, और रेड करने पर वहाँ पर हमें एक व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है, आरोपी जिसका नाम मुबारक है, मुबारक ऑफ मुबी सन ऑफ इलियास, जो खिल्लू का गांव है, पीएस अथीन जो है हमारा जिला पलवल में उसके तहत आता है। उससे मौके पर हमने एक कंट्री मेड वेपन और 2 लाइव बुलेट्स भी रिकवर किए हैं, और आरोपी से जो पूछताछ की है उस पर यह पता चला है कि आरोपी यूपी में आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी थाने में एक डकैती के पर्चे में वॉन्टेड है, और इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। तो हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है और कंसर्न थाने में जहां इसने डकैती की थी वहां उनको सूचित कर दिया है, और आज इसको आगामी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।